होकर बेहाल है फिल्म मेकर करण जौहर। बुरी तरह से टूटे करण, नेपोटिज्म को लेकर जनता के कटघरे में खड़े करण जौहर कोई सफाई नहीं देना चाहते। जैसा कि सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर करण जौहर को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। करण ने अब तक इस पर चुप्पी साधी है, लेकिन इंटरनेट पर कुछ खबरें वायरल हो रही है जहां बताया जा रहा है कि करण जौहर टूट चुके हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये बात करण ने नहीं बल्कि उनके किसी करीबी दोस्त ने मशहूर वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा को बताई है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में करण के दोस्त ने उनकी हालत के बारे में जानकारी दी है। दोस्त ने बताया, करण फिलहाल बुरी तरह टूट गए हैं। करण को कई सालों से ट्रोल किया जा रहा है। उन्हें लगने लगा था कि ये सब झेल झेल कर उनकी चमड़ी मोटी हो गई है, लेकिन सुशांत की मौत के बाद लोगों ने जिस तरह उन्हें ट्रोल किया, लोगों की नज़र में खुद के लिए इतनी नफरत देखकर वो बुरी तरह हिल गए हैं। दोस्त ने आगे बताया, करण के करीबी सारे लोगों को ट्रोल किया जा रहा है और इन सब के लिए वो खुद को कसूरवार मान रहे हैं। इसलिए करण को बहुत गिल्टी फील हो रहा है। उनके 3 साल के बच्चों को मारने की धमकी दी जा रही है। करण के वकील ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा है। करण फिलहाल बात करने की कंडीशन में नहीं है। ये लड़ाई उनके बस के बाहर चली गई है। वो अभी एक ऐसे आदमी की तरह दिख रहे हैं जिन्होंने किस्मत से मात खाई है। अभी करण से बात करना बिल्कुल अच्छा अनुभव नहीं होता है। हम जब उन्हें कॉल करते हैं तो वो रोने लग जाते हैं। वो रोते रहते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जो उन्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। वेल, अब इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये तो बता पाना मुश्किल है, क्योंकि वेबसाइट ने करण के इस करीबी दोस्त का नाम सीक्रेट रखा है। जब तक करण कुछ ना कहे, क्या आप ऐसी वायरल खबरों पर यकीन करोगे? या एक थ्योरी ऐसी भी हो सकती है कि करण को पॉजिटिव लाइट में दिखाने के लिए कोई ऐसे इंटरव्यूज दे रहे हैं या दे रही हो लोग जो करण को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। क्या उनके गुस्से को हमदर्दी में बदलने के लिए ऐसी रिपोर्ट्स तो नहीं बनाई जा रही है? आपको क्या लगता है? आपके थॉट्स हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।